तो आज हम जनवरी 2024 में आने वाली 15 बड़ी फिल्में और वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जनवरी में आने वाली है बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा की तरफ से हिंदी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइक का बटन दबा दीजिए। नंबर 15 पे द डिप्लोमेट। ये फिल्म एक हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जो कि ट्रू स्टोरी पर बेस्ड होगी, जिसको शिवम नैन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के अंदर जॉन अब्राहम, सादिया खातिब, जगजीत संधु दिखाई देने वाले हैं। द डिप्लोमेट फिल्म में जॉन अब्राहम एक इंडियन डिप्लोमेट के रोल में दिखाई देंगे जो कि एक इंडियन लड़की को पाकिस्तान से निकाल कर इंडिया वापस लाएंगे। जॉन अब्राहम की आने वाली ये फिल्म 11 जनवरी 2024 को थिएटर्स में रिलीज होगी। नंबर 14 पे है किलर सूप। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज होगी जिसमें हमको अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। सीरीज की कास्ट काफ़ी किलर है जिसमें मनोज बाजपेयी, कोंकणा सेन शर्मा, नासर के साथ कई बेहतरीन एक्टर इस सीरीज में दिखाई देने वाले हैं। ये सीरीज की कहानी एक टैलेंटेड होम सेफ के इर्द गिर्द घूमेगी जो कि अपने हस्बैंड प्रभाकर की जगह लवर उमेश को लाने का एक क्रेजी प्लान बना रही है। अभिषेक चौबे के डायरेक्शन में बनी ये सीरीज 11 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। नंबर 13 पे है हनुमान। ये फिल्म जनवरी महीने की आने वाली मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। ये एक पैन इंडिया सुपर हीरो फिल्म है जिसके लिए हिंदी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बुक माई शो पर ऑडियंस का इंटरेस्ट देखकर लग रहा है ये फिल्म काफ़ी तगड़ी ओपनिंग लेने वाली है। ये फिल्म PVCU प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी। इसके बाद इस यूनिवर्स में अधीरा नाम की एक सुपर हीरो फिल्म आने वाली है। फिल्म में तेजा सज्जा, अमृता अय्यर, वारालक्ष्मी शरद कुमार, विनय राय जैसे एक्टर देखने को मिलेंगे। ये पैन इंडिया फिल्म 12 जनवरी 2024 को थिएटर्स में रिलीज होगी बहुत सारी भाषाओं में। आप कौन हो भैया? नंबर 12 पर रुस्लान। ये फिल्म एक मसाला एक्शन एंटरटेनर फिल्म होगी जिसमें आयुष शर्मा, सुश्री मिश्रा, जगपति बाबू देखने को मिलेंगे। अंतिम द फाइनल ट्रूथ के बाद आयुष शर्मा की ये फिल्म आ रही है। रुस्लान मूवी 12 जनवरी को थिएटर्स में देखने को मिलेगी। जो कुरान मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह के बाद देश आता है और मेरा देश हिंदुस्तान है। नंबर 11 पर है द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 3। इस सीरीज का सभी काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 सभी को काफ़ी अच्छा लगा था, इंक्लूडिंग मी। दोनों सीजन 2021 के अंदर आया था। द लेजेंड ऑफ हनुमान का सीजन 3 12 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर होगा। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। नंबर 10 पे कैप्टन मिलर। ये फिल्म एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी जिसको अरुण माथेश्वर ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म में धनुष टाइटल रोल निभा रहे हैं। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि इनकी फिल्म में कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एज कैप्टन मिलर। धनुष के साथ फिल्म में सुंदरी, प्रियंका, अरुल मोहन, शिवा राजकुमार, संदीप किशन दिखाई देंगे। ये धनुष की करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है जो कि 12 जनवरी 2024 को थिएटर्स में देखने को मिलेगी। इसके हिंदी वर्जन को गोल्ड माइंस वाले रिलीज करने वाले हैं जो कि लियो और पुष्पा द राइज जैसी मूवीज को रिलीज कर चुके हैं। तो देखते हैं ये फिल्म हिंदी बेल्ट से कितनी बेहतरीन कलेक्शन करती है। नंबर 9 पे है मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी है जिसमें विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ लीड रोल्स में दिखाई देंगी। फिल्म के ट्रेलर से लग रहा है फिल्म में हमको एक इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलेगी। श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 12 जनवरी 2024 को थिएटर्स में रिलीज होगी हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। हम जिससे प्यार करते हैं वो मर जाए, हमारे लिए उसका प्यार मर जाए, भारतीय तो हम ही है ना। नंबर 8 पे ईगल। ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिस फिल्म को कार्तिक गट्टामनेनी ने डायरेक्ट किया है जो कि एक बेहतरीन सिनेमाटोग्राफर है। इनका कमाल का काम हमको ईगल में भी देखने को मिल रहा है। कुछ कमाल के शॉट्स आप सब देख सकते हो। सूर्या वर्सेस सूर्या के बाद ये इनकी दूसरी मूवी है एज अ डायरेक्टर। फिल्म में रवि तेजा, काव्या ठाकुर, अनुपमा परमेश्वरन जैसी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस देखने को मिलेंगी। ये फिल्म के हिंदी वर्जन का नाम सहदेव रखा गया है। मास महाराजा रवि तेजा की ये फिल्म 13 जनवरी को तेलुगु के साथ साथ हिंदी में भी आने वाली है। हथियार से विध्वंस रोकने वाला भगवान होता है, ये भगवान अच्छा नहीं है, जिद्दी है।
नंबर 7 पर है सैंधव। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। जिस फिल्म में विक्ट्री वेंकटेश दगुबती लीड रोल में दिखाई देंगे, वहीं इनके साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या, एंड्रिया जर्मिया, श्रद्धा श्रीनाथ और रोहिणी शर्मा दिखाई देने वाली हैं। फिल्म को हिट फ्रेंचाइज के डायरेक्टर शैलेश कोलानू ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का ट्रेलर एक्शन से भरपूर लग रहा है। फिल्म में हमको एक कमाल की स्टोरी देखने को मिलने वाली है, ऐसा ट्रेलर से लग रहा है। ये फिल्म 13 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी। नंबर 6 पर है मैं अटल हूँ। ये फिल्म एक बायोग्राफिकल फिल्म होगी, जिसमें पंकज त्रिपाठी लीड रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का किरदार निभा रहे हैं। इनकी ही ये बायोपिक होगी। रवि जाधव के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का कई लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये बायोपिक फिल्म 19 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। नंबर 5 पे है इंडियन पुलिस फोर्स। ये सीरीज 2024 की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज में से एक है, जिसका सभी काफी वेट कर रहे हैं। ये डायरेक्टर रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का पार्ट होगी। अगर ऐसा है तो सूर्यवंशी फिल्म में निकेतन धीर एक टेररिस्ट का रोल प्ले किए थे, वहीं इसमें एक कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्या ये मिस्टेक है या इनका डबल रोल होगा, मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा। वैसे कॉप यूनिवर्स में बहुत सारे लूप होल्स हैं। ये एक एक्शन पैक्ड सीरीज होगी, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबेरॉय, शिल्पा शेट्टी दिखाई देंगी। सीरीज का टीजर काफी इंटेंस लग रहा है। 7 एपिसोड की ये वेब सीरीज 19 जनवरी को Amazon प्राइम वीडियो पर आने वाली है। नंबर 4 पे फाइटर। फाइटर जनवरी महीने की एक काफ़ी बड़ी फिल्म होने वाली है, जिसका हर कोई वेट कर रहा है। ये इंडियन सिनेमा की पहली बिग बजट एरियल एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसको 250 करोड़ के बड़े बजट पर तैयार किया गया है। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट किए हैं, जिसमें ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर मेन लीड में दिखाई देंगे। ये फिल्म 25 जनवरी 2024 को थिएटर्स में रिलीज होगी। पिछले बार रिपब्लिक डे पर शाहरुख खान की पठान आई थी, और इस बार ऋतिक रोशन की फाइटर आ रही है। दोनों के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं। तो क्या ये फिल्म भी पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा पाएगी, ये आप सभी को बताना है। नंबर 3 पे मलाई कोट्टई वालीबन। ये फिल्म मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की मच अवेटेड पैन इंडिया फिल्म है। फिल्म की अभी तक कुछ खास डिटेल्स आउट नहीं हुई है, पर फिल्म के अंदर मोहनलाल एक एंशियंट रेसलर पहलवान के रोल में दिखाई देने वाले हैं। ये मोहनलाल का फर्स्ट कोलेब्रेशन है डायरेक्टर लीजो जोस पैलेसरी के साथ, इसीलिए इस फिल्म के लिए सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाज में आने वाली है, मलयालम, हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषे में। वालीबन मलाईकोट्टई वाली। नंबर 2 पे है कर्मा कॉलिंग। ये एक ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज होगी, जिसकी कहानी अल्ट्रा रिच कोठारी फैमिली के आसपास घूमेगी। ये अरण्य के बाद रवीना टंडन की दूसरी वेब सीरीज होगी। ये सीरीज US की पॉपुलर सीरीज रिवेंज पर बेस्ड होने वाली है, यानी कि हिंदी एडेप्टेशन होगी। ये सीरीज में हम सभी को रवीना टंडन, नम्रता सेठ, वरुण सूद दिखाई देंगे। ये सीरीज 26 जनवरी 2024 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर होगी। लेकिन मैं कहती हूँ, जब दुनिया आपके कदमों पर हो तो कर्मा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 1 पे थंगलन। ये फिल्म एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें जियान विक्रम मेन लीड में दिखाई देंगे। फिल्म का टीजर काफी तगड़ा लग रहा है, ब्लॉकबस्टर वाइब्स दे रही है फिल्म का टीजर। फिल्म की कहानी एक गोल्ड माइन के डिस्कवरी के इर्द गिर्द घूमेगी, जिसमें वेल्थ और पावर के लिए बड़ा बैटल होगा। पा रंजीत ने फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म में पशुपति, पार्वती थ्रुवत्तु, मालविका मोहनन भी दिखाई देने वाली हैं। ये फिल्म 26 जनवरी 2024 को पैन इंडिया स्केल पर रिलीज होगी, लेकिन कुछ रूमर्स है कि ये फिल्म पोस्टपोन हो सकती है। ऑफिशियल कंफर्मेशन का अभी वेट है, तो देखते हैं ये फिल्म पोस्टपोन होती है या नहीं।
जैसे कि आप सभी को बताएं, पठान, जवान और एनिमल जैसी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में आने के बाद बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट पूरी तरह से हिल चुकी है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट देख सकते हो, ऑल टाइम की लिस्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनी है, जाकर देख सकते हो। तो ये थी 15 बड़ी फिल्में और वेब सीरीज जो कि जैन 2024 में आने वाली है। तो आप सब किस मूवी और कौन से सीरीज का वेट कर रहे हो, आप सभी को लिखकर बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।